हर हर महादेव। आज हम कुछ अनुमान लगाएंगे कि वैश्विक स्तर पर भविष्य में क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। यदि आप लगातार मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं, जब भी युद्ध होता है पूरे विश्व के देशों में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। हमले की आशंका के कारण प्रत्येक देश ताकतवर साथियों की तलाश करता है, जिससे गुटबंदी का दौर चालू हो जाता है। ये सब इतिहास में हो चुके हैं। बाल्कन युद्ध के बाद जो गुटबंदी हुई उसने प्रथम महायुद्ध के होने में एक अहम भूमिका निभाई। आप देख रहे होंगे अभी ऐसा हो भी रहा है। ऐसा कोई भी देश जिसे अपने पड़ोसी पर शक है कि आक्रमण कर सकता है, तो वो देश या तो ताकतवर बनना चाहेंगे या फिर शक्तिशाली मित्र बनाएंगे। आज ताकतवर बनने का तरीका है अपने पास विध्वंसक हथियार रखना, जैसे परमाणु हथियार, जैविक रासायनिक हथियार। तो जिसके पास नहीं है वो ये सब पाने की कोशिश करेगा, इससे भी तनाव बढ़ेगा। इसके बाद जो गुटबंदियों का दौर आरंभ होगा उससे विश्व कई भागों में बंट जाएगा। किंतु इस बार जैसा कि हम सभी का मानना है, ये परिस्थितियां कल की अवतार के लिए तैयार हो रही हैं। तो इस बार विश्व कई भागों में नहीं बल्कि मात्र दो भागों में बंटेगा, एशिया अफ्रीका बनाम यूरोप अमेरिका। यूरोप और अमेरिका ने हमारे इन दो महाद्वीपों पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला अत्याचार करके अन्याय का जो बीज बोया था वो आज प्रतिशोध का पेड़ बन चुका है। उनके झूठे आधुनिक समाज की सुखद और आरामदायक जीवन की आधारशिला हमारे पूर्वजों की उन लाशों पर रखी गई हैं जिनके साथ उनके पूर्वज जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। एशिया के आंसू और अफ्रीका के दर्द का सैलाब अब ज्वालामुखी बनकर धधक रहा है और इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि महायुद्ध होगा तो उसमें भारत मुख्य रूप से जुड़ा होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने एशिया में भारत जैसे अपने उपनिवेश के बलबूते ही अपनी सत्ता और संपत्ति दोनों खड़ी की। अगर ये संपत्ति उन्होंने भीख में मांगी होती तो हम यूं ही दे दिए होते, किंतु उन्होंने हमारे भाइयों के देह से रक्त निचोड़ कर ये संपत्ति जमा की और ब्रिटेन ले उड़े। तो ब्रिटेन के अत्याचार का बदला जरूर लिया जाएगा और तृतीय विश्वयुद्ध का मुख्य मुद्दा भी यही होना चाहिए। अभी रूस यूक्रेन संकट से इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। इस युद्ध के अंत तक आते आते हो सकता है कि एशिया और अफ्रीका मिलकर अपनी एक नई आर्थिक व्यवस्था लागू करें। इसका कारण ये है कि सभी देश अमेरिका नियंत्रित व्यवस्था द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए रूस, चीन और भारत जैसे देशों के प्रयास से एशिया में एक नई आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक व्यवस्था लागू हो सकती है। किंतु इसमें बहुत सारे देश असमंजस की स्थिति में फंसेंगे और कुछ देश दलाल की भूमिका में आ जाएंगे, मतलब जो समझौता कराकर शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो आधुनिक राजनीति के अंतर्गत इन्हें शांति दूत नहीं कहा गया है, बल्कि बिस्मार्क के बारे में भी बर्लिन कॉन्फ्रेंस के संबंध में कहा गया कि उसने एक ईमानदार दलाल की भूमिका निभाई। किंतु एशिया में या ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि जो दलाल होता है वही गद्दार निकलता है। बंगाल में मीर जाफर का उदाहरण ले लीजिए, वो गद्दार बनने से पहले सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच सुलह की बातें किया करता था, और आज तो सभी देशों के बहुआयामी हित हैं, जिसके कारण किसी भी देश पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। एशिया के अंदर ही बहुत सारे देश हैं जो यूरोप और अमेरिका के घनिष्ठ मित्र हैं। तो तृतीय विश्वयुद्ध में पहला लड़ाई का मैदान एशिया बन सकता है। हम लोग पहले आपस में लड़कर एकजुट होंगे, फिर बाद में यूरोप और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करेंगे। भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश इसका नेतृत्व करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन तीनों ने पहले ही कोई योजना बनाई हो? संभव है, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर इन्होंने कोई योजना बनाई है तो योजना के एक हिस्से के मुताबिक इस साल या अगले साल तक भारत को एक बड़ी सैन्य कार्यवाही करके पाक अधिकृत कश्मीर को आज़ाद कराना है। तो आगे क्या होता है वो देखकर हमें पता चल ही जाएगा। ब्रिटेन और भारत कैसे एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे यह देखना भी दिलचस्प होगा। और जहाँ तक सिर्फ भारत के अंदरूनी राजनीति की बात है, भविष्य में हर जगह टकराव दिखता है। जब एक गद्दी के दो वैध दावेदार हो जाते हैं तो समस्या होती है। तो आजकल जनता इलेक्शंस में ऐसा खेल कर रही है कि दोनों पार्टी को लगभग बराबर वोट जा रहा है, जैसा कि अभी हाल में अमेरिका में हुआ। तो इससे खूनी राजनीतिक संघर्ष तो होता ही है। ऐसी ही परिस्थितियाँ भारत में भी बन सकती हैं। व्यापक स्तर पर निकट भविष्य में गृह युद्ध इसी कारण से हो सकता है। दंगे फसाद भी प्रायः किसी सत्ताधारी द्वारा प्रायोजित ही होते हैं। लोगों की भावनाओं को भड़काकर हिंसा के लिए उकसाने का काम हमारे पूज्य नेताओं द्वारा बहुत पहले से ही किया जा रहा है। तो ये सब कुछ अनुमान हैं जो मेरे हिसाब से भविष्य में हो सकते हैं।
इन सभी घटनाओं को मैं कल की अवतार के उदय से संबंधित देखता हूँ। दरअसल जो काम उसे करना है उसके लिए अभी से वैसा माहौल बनना आरंभ हो गया है, ताकि जब वो अपना कार्य करें लोगों को विचित्र न लगे, क्योंकि ब्रिटेन पर हमला करने की बात आज भारत के 99% लोगों को विचित्र लग सकती है, किंतु परिस्थितियां ब्रिटेन से प्रतिशोधात्मक भावना के अनुकूल ही बनेंगी। और बाकी मैं तो हूँ ही ब्रिटेन को नंगा करने के लिए, क्योंकि लोगों को ब्रिटेन के जुल्म की दास्तान बताना मुझे इतना भी विचित्र नहीं लगता। मैं तो ऐसी बातें करता ही हूँ। लोग जहाँ स्वर्ग और नरक जैसी बातों पर विश्वास करते हैं, वहीं मैं कहता हूँ कि स्वर्ग और नरक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ कि सभी कल की अवतार हैं। तो इन सब बातों के आगे ब्रिटेन से दुश्मनी की बात तो बहुत ही कम विचित्र है, किंतु कितना भी विचित्र लगे, हमारी दुर्दशा के जिम्मेदार ब्रिटेन के खिलाफ मैं भारत के अंतर्मन में जहर भरने का काम करता रहूंगा। वो लोग खुद पर बड़ा गर्व करते हैं। आप ब्रिटेन जाएंगे तो पाएंगे कि वो लोग एक दूसरे के साथ बड़े ही दिखावटी सम्मान से पेश आते हैं और बात बात में प्लीज, सॉरी और थैंक यू बोलकर खुद को सभ्य साबित करने का प्रयास करते हैं। इसका कारण मुझे यही समझ आया कि उनके पूर्वजों ने पूरे विश्व में घूम घूम कर जो अत्याचार व अन्याय किया है और मानवों को जो अमानवीय पीड़ा दी है, उसके अनुसार वो सभ्य क्या बल्कि इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। यही कारण है कि वो सभ्य होने का चोगा लिए घूमते हैं और बात बात में प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द बोलते रहते हैं। वो खुद को याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें सभ्य बनना है। उनके बाप दादाओं ने जुल्म किया, मगर आज उनके बच्चे संवेदनशील होने का ढोंग करते हैं। अनाथ बेघर लोगों को देखकर उनका कोमल दिल पसीज जाता है, जबकि उनके पूर्वजों के कारनामों ने ही करोड़ों लोगों की जिंदगी छीनी है। उनके हाथ हमारे पूर्वजों के खून से रंगे हैं, फिर भी वो बेशर्मी की सारी हदें पार करके हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमारा अपमान करते हैं। मानो हम उनके बंदर हों कि जब जैसा चाहे नचा लिया। अभी जैसे मैंने कहा कि परिस्थितियां ब्रिटेन के खिलाफ बनेंगी, तो उन परिस्थितियों की मदद करते हुए हम भी ब्रिटेन पर आक्रमण जैसे विचित्र विचार को आम भारतीय भावना बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसे ही ब्रिटेन की नंगी हकीकत बता बताकर माहौल बनाते रहेंगे। ये बस छोटा सा योगदान देने की कोशिश है मेरी तरफ से। हर हर महादेव।